मुंबई इंडियंस की टीम ने जब अपने आईपीएल के रिटेंशन लिस्ट जारी की तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा शॉकिंग चीजें हमें उसमें देखने को मिली। जिस प्लेयर को सबसे ज्यादा अमाउंट देकर अपनी टीम में रखा गया, अपनी टीम में रिटेन किया गया, वो कोई बैट्समैन नहीं था, वो टीम का कप्तान नहीं था, बल्कि वो एक गेंदबाज था। क्या है पूरी कहानी, वीडियो में बने रही है अंत तक, जरूर बताएंगे। आईपीएल 2025 से पहले मुंबई इंडियंस ने अपने कोर को समेटे रखने का काम किया है। एक बार फिर से हार्दिक पांड्या को टीम की कमान दी गई है। रोहित शर्मा इस सीजन भी एक ओपनर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी लाइनअप को लीड करने वाले हैं। मुंबई इंडियंस की रिटेंशन लिस्ट पे एक बार नजर डालते हैं। जसप्रीत बुमराह सबसे ज्यादा 18 करोड़ रुपए, हार्दिक पांड्या 16.35 करोड़ रुपए, सूर्य कुमार यादव 16.35 करोड़ रुपए, रोहित शर्मा 16.30 करोड़ रुपए और तिलक वर्मा 8 करोड़ रुपए। सबसे कीमती यहां पे जसप्रीत बुमराह उभरते हुए हमें नजर आ रहे हैं। आईपीएल 2025 रिटेंशन से पहले सबको ये उम्मीद थी कि जसप्रीत बुमराह को रिटेन तो जरूर किया जाएगा, लेकिन शॉकिंगली यहां पे सबसे ज्यादा राशि देकर के रिटेन किया है मुंबई इंडियंस ने जसप्रीत बुमराह को। इसके पीछे की वजह भी काफी इंटरेस्टिंग है। पिछले सीजन में जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की थी, उसके बाद जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी गेंदबाजी में निखार आया है, जरूरी था कि उनको इस तरीके की राशि मिले और जस्टिफिकेशन मिले उनके टैलेंट को। रोहित शर्मा जसप्रीत बुमराह को लेकर कहते हैं कि उन्हें इस तरीके की राशि मिली, उन्हें टॉप रिटेंशन मिला, इसके लिए मैं बहुत खुश हूं। बात करें तो पिछले साल जसप्रीत बुमराह ने मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए 14 मैचों में 20 विकेट लिए थे। जसप्रीत बुमराह पिछले 12 सालों से मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा है। बुमराह आईपीएल के इतिहास में मुंबई इंडियंस के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। बुमराह काफी ज्यादा किफायती रहते हैं, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं और काफी स्ट्रेटेजिक गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध हैं। आईपीएल मेगा ऑक्शन के लिए अब मुंबई इंडियंस के पास 45 करोड़ रुपए बचे हैं। ऐसे में मुंबई इंडियंस जरूर चाहेगी कि अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को किफायती दामों पे उठाया जाए। मुंबई ने 5 खिलाड़ियों को रिटेन करके पूरे स्क्वाड को रिलीज कर दिया है। अभी भी मुंबई इंडियंस के पास एक राइट टू मैच कार्ड उपलब्ध है, जिससे फ्रेंचाइजी किसी अनकैप्ड खिलाड़ी को टीम में शामिल कर सकती है। टीम मेगा ऑक्शन में निहाल वडेरा, नमन धीर, आकाश मडवाल, पीयूष चावला या शम्स मुलानी को आरटीएम का इस्तेमाल करके अपनी टीम में शामिल कर सकती है। बाय द वे, जसप्रीत बुमराह को ये जो सबसे ज़्यादा धनराशि मिली है, ये फैसला आपको मुंबई इंडियंस का कैसा लगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट केसरी को।